और अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब की सियासत में एक पाकिस्तानी महिला पत्रकार को लेकर बवाल मचा हुआ है। पंजाब कांग्रेस के नेता पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर को घेरने में जुटे हुए हैं, लेकिन अमरिंदर ने ऐसा पलटवार किया जिससे कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। पूरा विवाद इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। यही वो पाकिस्तानी मोहतरमा अरसा आलम है जिनके नाम से पंजाब की सियासत में भूचाल आया हुआ है। कहने को ये पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की दोस्त है, लेकिन अमरिंदर विरोधियों में अरसा आलम में आईएसआई एजेंट दिखाई देता है। इसी बिना में अब कैप्टन अमरिंदर को पाकिस्तान का हमदर्द होने का दाग लगाने लगे। दरअसल कैप्टन अमरिंदर नवजोत सिंह सिद्धू के पाकिस्तान जाने को लेकर उनकी आलोचना करते रहे हैं। ऐसे में अब मौका सिद्धू समर्थकों के हाथ आ गया है, इसीलिए अमरिंदर को बदनाम करने के लिए अरसा आलम का सहारा लिया जा रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह अकेले का कसूर था, पार्टी का नहीं था। उनको पूरी पार्टी की तरफ से खुली छुट्टी दी गई, किसी कांग्रेस वर्कर को उन्होंने ताकत नहीं दी, किसी मंत्री और एमएलए को वो खुल के मिले नहीं, फार्म हाउस पे जाके पार्टियां करते रहे। इस मुद्दे को लाने वाले पंजाब के डिप्टी सीएम थे जिन्होंने अरसा के आईएसआई कनेक्शन की जांच की बात कही। उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें लिखा था, मौड़ मंडी ब्लास्ट, बरगाड़ी, बेअदबी और नशे के मामले में अमरिंदर फेल रहे। अब हम इन सब को आने वाले दिनों में इनकी जांच के अंजाम तक पहुंचाएंगे। गुटका साहिब की कसम खाने के बावजूद आप मुद्दों पर फेल रहे हैं। अरसा के आईएसआई लिंक की जांच से क्यों घबरा रहे हैं? उनका वीजा किसने स्पॉन्सर किया? सबकी जांच होगी। रंधावा के वार पर अमरिंदर ने इसका जवाब ऐसे दिया कि अब उनके विरोधी चारों खाने चित्त हो गए। अमरिंदर ने देश भर के तमाम सेलिब्रिटी के साथ अरसा के फोटो सार्वजनिक कर दिए, जिसमें सोनिया गांधी के साथ भी एक तस्वीर है। उन्होंने उसके साथ लिखा, मैं अरसा आलम की फोटो कई गणमान्य लोगों के साथ जारी कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि वो सारे भी आईएसआई के एजेंट हैं। ऐसा कहने वालों को बोलने से पहले सोचना चाहिए, ये सिर्फ घटिया मानसिकता का उदाहरण है। अमरिंदर के पलटवार से कांग्रेस बैकफुट पर आ गई। बार बार अमरिंदर पर निशाना साधने वाले नवजोत सिंह सिद्धू भी अब पंजाब कांग्रेस के मुद्दे पर फोकस करने के लिए कह रहे हैं। ट्वीट में उन्होंने लिखा, पंजाब को जल्द अपने असली मुद्दों पर लौटना चाहिए जो हर पंजाबी और हमारी भविष्य की पीढ़ी से जुड़े हैं। ऐसा ना हो कि हम पंजाब को संवारने का आखिरी मौका भी खो दें। पंजाब में हर मुद्दे पर अमरिंदर को कोसने वाले सिद्धू भी अरसा मामले पर खामोश हैं। लेकिन ऐसा तब हुआ जब अमरिंदर ने कांग्रेस आलाकमान के साथ अरसा की तस्वीर शेयर कर दी। दरअसल कैप्टन अमरिंदर ने अरसा के साथ अपने रिश्ते को भी कभी नहीं छिपाया। कई मौकों पर दोनों साथ देखे गए। अरसा अमरिंदर के परिवार के लोगों से मिलती रही हैं, लेकिन इस तरह नाम घसीटे जाने से अरसा ने ट्वीट किया है, पंजाब में कांग्रेस अपनी जमीन खो चुकी है। युद्ध के बीच में अपने सेनापति को कौन बदलता है? अब कृपया अपनी लड़ाई अपने दम पर लड़ें। आप मुझे इस पंजाब कांग्रेस और सरकार के झमेले में क्यों घसीट रहे हैं? अब जब उन्होंने मुझे इसमें घसीटा है तो मैं केवल आपको बंदर सर्कस कह सकती हूँ। पत्रकार अरसा आलम भी अपनी माँ की तरह पाकिस्तान की सियासत में अच्छा खासा दखल रखती हैं। कैप्टन से उनकी मुलाकात 2004 में हुई थी, तभी से वो कैप्टन के निमंत्रण पर कई बार भारत आती रही हैं। अचानक से अब अरसा का मुद्दा फिर से गरमाने के पीछे पंजाब की सियासी वजह है। इसके पीछे की मंशा इतनी भर है, किसी तरीके से अमरिंदर पर कीचड़ उछाली जाए, क्योंकि अमरिंदर ने अलग पार्टी के ऐलान से कांग्रेस में खलबली मची हुई है। टीम न्यूज़ नेशन।